What's happening, guys? Welcome back to another vlog. और first of all, thank you so much for all the love जो आप लोग दिखा रहे हो vlogs पे. Because guess what, guys? We are 40,000 subscribers plus. I know it does not sound like much, but it is definitely huge for me. I did not think that I was going to be reaching this place so fast. But point is that we are doing that, and it's all thanks to you guys who are loving the content and so on. Sorry about all the noise and everything, but I'll tell you why the noise is happening. It's because I'm there you go, you can see I'm here at Lamborghini right now. तो यहाँ पे इसलिए मेरे को बुलाया गया है, बिकॉज़ यहाँ पे Lamborghini का एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है, Huracan STO, which is like a track car, but it's been made legal for roads, just about legal, you know. तो जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पे, शुरुआत में ही बहुत ही यू नो जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी हैं. लेट मी शो यू. गाइस, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. और मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा कलर पसंद होता है. अगर मतलब ख्याल में तो सभी लोग बोल सकते हैं कि आपको कौन सी लैम्बोर्गिनी लेनी है एंड एवरीथिंग. ख्याल में तो सभी सोच सकते हैं. टेल मी विच कलर वुड यू चूज अगर आप लोग सुपर कार अगर ले रहे होते. ऑनेस्टली आई वुड हैव चोजन ईदर अ रेड या फिर अ डार्क ग्रे लाइक अ नार्डो ग्रे, क्योंकि मुझे ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दैट, बट लेट मी शो यू अ वेरी यूनिक कलर और स्पेक दैट इज़ इनसाइड, एंड दैट इज़ द Huracan STO. लेट्स गो इनसाइड. As this is the Lamborghini Huracan STO, and I swear, looks absolutely. मतलब I'm in love with this color actually. So you guys, it's like a proper track car, but it's been made legal for the roads as well. So this is something which you know only those lucky enough to spend almost 5 crores can actually grab this car. But it definitely is a head turner. Guys, magnesium alloy wheels, and I mean big carbon fiber wing. And ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये manually adjustable है. आप पीछे आपको आकर के चाबी से adjust होता है इसका पूरा wing. And look at this beautiful rear over here. तो guys, ये इसका interior है. And it looks pretty sick, man. Actually, पता है मेरे को येलो मेरा इतना फेवरेट कलर नहीं है, बट विद दिस ब्लू इट इज एक्चुअली मैचिंग इट क्वाइट अ बिट. हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है फ्रॉम पीछे जो लैम्बोर्गिनी है, और उस बुल के साथ साथ एक और बुल यहाँ पे है हमारे साथ. एंड दिस बुल इज कॉल्ड स्केच बिल्ड राइड. आप लोगों ने शायद इसको देखा ही होगा 100%. ही हैज अ यूट्यूब चैनल आल्सो, यस, गोज बाय SBR. सो वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा. सो डू गिव हिम अ फॉलो. आई हैव नोन हिम फॉर एजेस नाउ, एंड हिज ब्लॉग्स एंड हिज कंटेंट इज सुपर्ब. ओके, सो ग्लैड यू लाइक इट. ऑफ कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स. नहीं भी पसंद आता तो साथ में खड़ा बोलना ही पड़ता है. ऐसे तो बोल रहे, ये बकवास, पर देखना मत इसका. As always, this is just another accident and stuff. I hope we are absolutely fine. Obviously, somebody's bike fell down. Okay. Looks like everybody's fine now. Guys, ध्यान से चलाए करो, हेलमेट पहन करके. Those of you who are riding bikes, please always, you know, safety first. Guys, right now we are heading home, and घर जा करके भाई थोड़ा सा खाना खाएंगे, बिकॉज आई हैड रश्ड फॉर द इवेंट. और फिर देखते हैं व्हाट टू डू. आई थिंक आज एक शूट है रोहिणी का, जो मेरे को उसको हेल्प करना है, तो उसके लिए हमको सिलेक्ट सिटी वॉक जाना है, तो वो भी करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट गाइस, वी विल सी हाउ द डे गोज, यू नो. इट्स मी, सुंदर सुशील बीवी, मेरी ही है. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी फूड बेब. वाह वाह, भरता पनीर, भुजिया, ब्रेड, स्वेल्टरिंग. और मैं जो घूमता घामता आया था, मतलब
काम करते हुए तड़पते हुए यू नो गर्मी में जलते हुए पसीने में लहूलहाल लहूलहाल कैसे पसीने में तर Later that same evening. So guys, we are actually at Starbucks right now and I'm enjoying my Vietnamese cold brew. And excuse the noise, because obviously we're okay. And Rohini has obviously got her keto food as well. So, yeah, I've subscribed to Food Dal. मेरे को जनरली नहीं लग समझ में आता है ये सड़की को वेट क्या लूज करना है. कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो कि अगर वेट रोहिणी को वेट लूज करना चाहिए नॉट एंड 100% आंसर नो होना चाहिए. यहाँ पे हम कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि 19 तारीख इस वाले महीने का और well actually technically it should be only this महीना but every महीने को we celebrate Aira's monthversary birthday whatever you might call it but this month she's actually turning 1 year old. So I'm looking for something very nice. और उसके लिए प्रेजेंट देखते देखते मुझे लग रहा है कि मेरे को मन कर रहा है कि खुद के लिए भी कुछ ले लूँ बिकॉज यू नो अंदर का बचपना अभी भी याद यू नो ताज़ा है एंड स्टाफ एंड आई विश हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो यू नो ये सारी हैमलीज जैसी दुकानें अगर होती तो आई थिंक लाइफ वुड हैव बीन समथिंग एल्स. हम लोग तो बस मतलब जो मिलता था इंडिया में वही उसमें ही खुश थे. या आज की डेट में तो बच्चों के पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हो गई हैं इट्स क्रेजी. एक तो ये चीज़ भी बहुत सही लग रही है एक्चुअली बस घर पे ये पड़ा हुआ है कहीं पे और मेरे ख्याल से व्लॉग में बहुत सही लगेगा. एक बार बस मेरे को ढूंढना है इसका रिचार्ज का पोर्ट कहाँ पर है मगर ये वाला तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर मतलब बाहर भी आप चला सकते हो. मेरा वाला सिर्फ घर में ही पॉलिश फ्लोर पर चल सकता है. दिस वन लुक्स प्रीटी डीसेंट. ये भी मतलब आई स्वेयर टू गॉड पता अभिषेक और मैं जब छोटे थे ना यू शुड लुक फॉरवर्ड कि ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए मगर यहाँ पे तो मतलब ये चीज़ें तो ऐसी लग रही प्रॉपर डैमेज कर सकती है. हमारे को जो मिलती थी ना उस पर सामने ऐसा लगता है प्लंजर सा लगा हुआ होता था और बस पच करके अपने सर पे चिपक जाता था. गाइस ऐसा सेक्शन देख करके तो यू नो मी अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि अभिनव को गाड़ियों का कितना शौक है एंड मेरे पास बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि अमेजिंग कलेक्शन होती थी डिंकी कार्स की हॉट व्हील्स की और ऐसे जो ये सारे जो ये डाईकास्ट 1:24 मॉडल्स जो हैं ऐसी इतनी अमेजिंग कलेक्शन होती थी और मैं मतलब क्या बताऊँ आपको मतलब मेरी मम्मी ने ठान लिया था कि घर पे कोई भी अगर बच्चा आएगा ना तो सीधा मेरे जो ये जो कलेक्शन जो अच्छे से एक यू नो जगह पे स्टोर करे हुए हैं यू नो शेल्व्स में लगी हुई हैं वो बच्चे को दे देते और बच्चे क्या करते थे ठाक 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 करके सारी गाड़ियाँ तोड़ देते थे. सिंस देन यू नो वो शौक ही ख़त्म हो गया यार. ओहो बैट मोबाइल भाई साहब ये मतलब अगर ये 12-15 साल का भी एबिक्स अगर देखता ना ये तो अभी बस मतलब ज़मीन पे लेट जाता कि मेरे को दिलाओ. वैसे 15 साल पे तो नहीं बट आई कमिंग छोटा बट इनमें से बताओ गाइस ये तीन अलग जनरेशन की है. एक तो ये होती थी ये एक और एक बैटमैन की एक कॉमिक सीरीज में ये वाली आती थी बैट मोबाइल. आपको ये ज़्यादा बेटर लगी या ये वाली जो बैटमैन फॉरएवर में थी वो वाली या फिर ये जो क्रिस्टोफर नोलन वाली जो बैट मूवी जो टम्बलर जिसको कहते हैं वो वाला. आई ऑनेस्टली लाइक दिस वन लाइक इसमें बैटमैन लाइक हाउ ही लुक्स. आई डोंट लाइक टू मच ऑफ द टम्बलर लुक्स वियर्ड. मेरे ऑनेस्टली दिस यूज टू बी लाइक द शिट लाइक इट यूज टू लुक लाइक यार ये बैट मूवी है. आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप आयरस गिफ्ट और ये आपको 19th को ही पता चलेगा क्या है. तो ये वामिका ने सेटअप कर रखा है फॉर अभिषेक बिकॉज़ इट्स हिज बर्थडे टुमारो. सो दिस इज द एंटायर सेटअप.
Wow. Guys, it's the next morning and of course it is the 17th and that means ki Abhishek ki birthday hai aaj. तो वामिका ने खूब सारी चीज़ें सरप्राइज के लिए और बर्थडे के लिए उसके लिए ऑर्गेनाइज कर रखा है. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी दैट और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या सरप्राइज है. तो एज एंड व्हेन आई एडिट दैट ब्लॉग आई थिंक मोस्ट लाइकली कल वो वाला ब्लॉग जाएगा. बट आज के ब्लॉग के लिए जस्ट टू मेक अभिषेक फील स्पेशल प्लीज डू विश हिम अ हैप्पी बर्थडे. वो भी पढ़ता है कॉमेंट्स सो ही विल ऑल्सो लाइक इट एज वेल. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. प्लीज डू सब्सक्राइब टू मी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं. कॉन्टेंट इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर सो यू माइट एज वेल 50K तक तो पहुंच जाएंगे. If you guys enjoyed this video, please hit the like button. Please drop your comments. And I will see you guys in the next one. Stay safe, stay sexy. God bless. Bye-bye.